सिंह राजपूत के केकेआर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिक्षक भर्ती 2018 में ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षकों को 27% आरक्षण का लाभ देकर काउंसलिंग भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किए जाने के संबंध में 6 अगस्त 2021 को ओबीसी महासभा ब्लॉक इकाई लखना दौर द्वारा तहसीलदार महोदय भावना मलगाम जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ब्लॉक अध्यक्ष अधिवक्ता दीपक यादव के नेतृत्व में ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से संभागीय अध्यक्ष अधिवक्ता उमेश गोल्हानी, बंधु संभागीय महासचिव अधिवक्ता सुनील यादव, संभागीय सचिव अधिवक्ता शिव चंद्रवंशी, जिला उपाध्यक्ष अधिवक्ता कन्हैया लाल यादव, जिला महासचिव अधिवक्ता तरुण श्रीवास, सैकड़ों समर्थक उपस्थित रहे। सिवनी से ब्रिजेश शर्मा की रिपोर्ट। आज जो है ओबीसी महासभा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम जो है आरक्षण के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है, जिसे हम माननीय सीएम साहब के समक्ष से जो है पेश किया जाएगा। ओबीसी महासभा द्वारा तहसीलदार जी महोदया जी को आपने किस संबंध में ज्ञापन सौंपे? ओबीसी महासभा के द्वारा शिक्षक भर्ती के संबंध में, जो शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 से पेंडिंग है, जो 27% के हिसाब से सभी उम्मीदवारों ने, जिसमें ओबीसी वर्ग से भी हैं, 27% के हिसाब से सबकी काउंसलिंग भी हो गई है और दस्तावेज भी जमा हो गए हैं, किंतु उसके पश्चात 13% पदों पर हाई कोर्ट द्वारा होल्ड कर दिया गया है। तो इसी संबंध मांग है कि 13% पदों के हिसाब से भी उनको मिला करके 27% पदों पर भर्ती प्रक्रिया कम्प्लीट की जाए। 28 जुलाई को भी आपके ओबीसी द्वारा भोपाल में धरना प्रदर्शन था, उसमें कुछ निर्णय नहीं लिया गया क्या? हाँ, 28 जुलाई को ओबीसी महासभा द्वारा भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव था, जिसमें महत्वपूर्ण मांग थी कि नीट में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, जो कि 0 था। उसके पश्चात ओबीसी जाति का जनगणना की मांग थी, शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा था, ऐसे अन्य बहुत सारे मुद्दे थे जिसको लेकर के ओबीसी महासभा मैदान में रहती है और सड़कों में उतर चुकी है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।